हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 7 में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज को समझाने वाला हूं। समूह 16 के तत्वों के हाइड्राइडों को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए। वाष्पशीलता, अम्लीय लक्षण, अपचायक गुण, तापीय स्थायित्व। अब स्टूडेंट, इन टॉपिक्स को समझने के पहले छोटे छोटे इनकी परिभाषाओं के बारे में जानना जरूरी है। वाष्पशीलता है क्या, समझिएगा थोड़ा सा। यदि कोई द्रव है उसे खुला छोड़ दे या उसे गर्म करें, समझने की कोशिश करिएगा वाष्पशीलता कहलाती क्या है। कोई द्रव है या कि उसे खुला छोड़ दें या तो उसे गर्म करें, तो धीरे धीरे द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदलने लगता है। यह क्रिया स्टूडेंट वाष्पीकरण कहलाती है, लेकिन इसकी जो क्षमता होती है वो वाष्पशीलता कहलाती है। कि किस द्रव के पास कितना क्षमता है कि वो आसानी से द्रव से गैस अवस्था में बदल जाता है, समझ गए ना। वाष्पशीलता मतलब वाष्पित होने की क्षमता वाष्पशीलता कहलाती है। अम्लीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति कैसे डिपेंड करता है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि जैसे कोई भी आपके पास हाइड्राइड है, कोई भी यौगिक है, वो कितना जल्दी एच पॉजिटिव आयन देता है, ठीक है। आर्हेनियस समीकरण के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार कि जो जितना जल्दी आसानी से एच पॉजिटिव आयन देगा वो उतना ही प्रबल अम्लीय होगा। अर्थात जो एच पॉजिटिव आयन देता है वो अम्ल होता है, आर्हेनियस के अनुसार जो OH नेगेटिव आयन देता है वो क्षार होता है। तो यहां पर जो हाइड्राइड है, सभी के पास हाइड्रोजन है, तो जितना आसानी से जो हाइड्रोजन देगा स्टूडेंट वो ज्यादा अम्लीय कहलाएगा। अपचायक गुण, अपचायक गुण का मतलब जो दूसरे को अपचयित कर दे और खुद आक्सीकृत हो जाए वो अपचायक कहलाता है स्टूडेंट। और दूसरे को अपचयित करने का गुण कितना उसके पास होगा वो डिपेंड करता है अपचायक गुण पर। तापीय स्थायित्व मतलब ताप बढ़ाने पर जो हाइड्राइड बनेगा उसका स्थायित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इस पर अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो चार टॉपिक है, वाष्पशीलता, अम्लीय लक्षण, अपचायक गुण, तापीय स्थायित्व। इसको मैं स्टार्टिंग में क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि इन टॉपिक्स के बारे में समझना है हाइड्राइड के आधार पर, तो इनको भी जानना जरूरी नहीं कि आखिर में है क्या, हम पढ़ना क्या चाहते हैं, ठीक। तो चलिए अब आप लोग उत्तर में लिखेंगे कि स्टूडेंट सबसे पहले हाइड्राइड की समूह 16 के सभी तत्व H2M या MH2 प्रकार के हाइड्राइड का निर्माण करते हैं, जहां यम स्टूडेंट कौन कौन से तत्व हो सकते हैं, 80 टेम्पो ले लो, मतलब ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम टेल्यूरियम और पोलोनियम। ये M का मान है स्टूडेंट। M मतलब 16वें समूह के तत्व, कैलकोजन समूह कहा जाता है, यानी अयस्क बनाने वाले तत्व। समूह 16 के तत्वों को अयस्क बनाने वाले तत्व कहा जाता है, जिसका उपनाम कैलकोजन है, ठीक है। इसके जो अयस्क होते हैं सल्फाइड के रूप में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। कुछ बेसिक चीज मैं बता रहा हूं, चलिए। तो हाइड्राइड किस प्रकार के हाइड्राइड, या तो H2M या तो MH2 प्रकार के हाइड्राइड का निर्माण करते हैं, क्लियर स्टूडेंट। किस प्रकार के, H2M या MH2। तो जैसे मैं बात करता हूं H2M, तो H2O, H2S, H2SE, H2TE और H2PO, तो ये आपका उदाहरण हो गया। हाइड्राइड कौन कौन से हो गया, H2O, H2S, H2SE, H2TE, H2PO, यानी पोलोनियम है, टेल्यूरियम से हाइड्राइड बनाया, सेलेनियम से हाइड्राइड बनाया, और ये सल्फर से हाइड्राइड बनाया, और स्टूडेंट ये ऑक्सीजन से हाइड्राइड बनाया। तो इस प्रकार से हाइड्राइड आप लोग लिख लेंगे ना, जो मैं बताता हूँ स्टूडेंट, इतना यदि आप लिख देते हो, क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का कि हाइड्राइडों को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाओ। मैं गारंटेड कहता हूँ कि आपको 4 में 4 मार्क्स मिलेंगे। ज़्यादा लंबे चौड़े लिखने की जरूरत नहीं है, अपनी भाषा में सिंपल तरीके से लिखने की जरूरत है। पूरा किताबी भाषा में कभी नहीं पढ़ाता हूँ, अपने लैंग्वेज में लिखो, शॉर्ट एंड स्वीट लिखो, बराबर नंबर मिलेंगे। तो चलिए पहला पॉइंट अपना है वाष्पशीलता, इसको देख लेते हैं स्टूडेंट कि समूह 16 के सभी हाइड्राइड वाष्पशील है, मतलब इन हाइड्राइडों में द्रवित अवस्था से वाष्पशील अवस्था में परिवर्तित होने की क्षमता होती है। समझ रहे ना कि समूह 16 के तत्व सभी जो हाइड्राइड हैं, समूह 16 के तत्वों के जो सभी हाइड्राइड हैं वो वाष्पशील होते हैं, लेकिन यहां पर H2O से H2S तक वाष्पशीलता बढ़ती है, किंतु बाद में स्टूडेंट TeH2 या H2TE तक घटती जाती है, ठीक है ना, H2TE या TeH2 तक। तो कंफ्यूज मत होना, तो यहां पर आपको थोड़ा एक सीरियल बनाना है इसका, कैसे। मैंने क्या कहा, H2O से बढ़ती है H2S तक, फिर स्टूडेंट घटती जाती है H2SE और फिर घटता है H2TE, ये क्रम आप लिख देंगे। कभी कभी जैसे आप नीट की तैयारी करते हैं, JEE की तैयारी करते हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो दे देता है निम्न में से 4 कथन कौन सा सत्य है वाष्पशीलता के आधार पर, और यही बेसिक चीज़, छोटी मोटी चीज़ें दी जाती है वहाँ पर। लेकिन बच्चे क्या है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं, बेसिक चीज़ पढ़ते नहीं, वो चल करके आगे दिक्कत होता है, फिर अलग से कोचिंग करना पड़ता है। तो ये वाष्पशीलता हो गया। अब दूसरा स्टूडेंट अपन देखने वाले हैं अम्लीय प्रकृति। अब अम्लीय प्रकृति में मैंने आपको समझाया है कि कोई भी हाइड्राइड जो जितना आसानी से H पॉजिटिव आयन देगा
वह उतना ही सरलता से अम्लीय प्रकृति को प्रभाव दर्शाएगा। समझ रहे ना कि हाइड्राइड जो समूह 16 के सभी हाइड्राइड हैं दुर्बल अम्लीय प्रकृति के होते हैं, मतलब ज्यादा मात्रा में एच पॉजिटिव आयन नहीं देते, थोड़ा सा कम देते हैं। लेकिन इनका भी एक सीरियल होगा कि कौन ज्यादा अम्लीय है और कौन कम होता है, क्योंकि सीरियल के आधार पर स्टूडेंट जैसे कोई प्रबल है फिर धीरे धीरे दुर्बल है या घटती या बढ़ती है। तो देखिए H2O से H2T तक अम्लीय लक्षण में वृद्धि होती है क्योंकि हाइड्राइडों द्वारा सरलता से एच पॉजिटिव आयन दिया जाता है, यहां पर सीरियल दे सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा अलग तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखिएगा क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि स्टूडेंट जब भी हम समूह में ऊपर से नीचे चलते हैं, कहाँ चलते हैं समूह में ऊपर से नीचे चलते हैं, तो ऊपर से नीचे चलने से प्यारे भाइयों परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है और परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने से कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। जैसे पहले में एक कोष था, फिर दो कोष, फिर तीन कोष हो जाएगा, फिर चार कोष, फिर पांच कोष, ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर आकार में क्या होती है वृद्धि होती जाती है ना। यानी समूह में ऊपर से नीचे चलते हैं तो परमाणु आकार में वृद्धि होती है, ध्यान दीजिएगा। और जैसे जैसे परमाणु आकार में वृद्धि होती है तो नाभिक का आकर्षण बल कम होता जाता है, नाभिक का आकर्षण बल कम होता जाता है। मतलब यदि नीचे की बात करें तो यहाँ पर नाभिक का आकर्षण बल यहाँ से कम होता है और इसके आकर्षण बल कम होने के कारण यहाँ से आसानी से एच पॉजिटिव आयन दे सकते हैं, इसलिए हम ऊपर से नीचे चलेंगे तो अम्लीय गुण में वृद्धि होगी। क्योंकि स्टूडेंट जो जितना ज़्यादा एच पॉजिटिव आयन देगा वो उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा। और मैंने क्या कहा, जब समूह में ऊपर से नीचे चलते हैं तो परमाणु आकार में वृद्धि होती है। अच्छा, परमाणु आकार बढ़ने से नाभिक का आकर्षण बल तो कम हो जाता है, नाभिक का आकर्षण बल कम होने से एच पॉजिटिव आयन आसानी से दे सकता है, सिंपल तरीका। इसलिए हम कह सकते हैं स्टूडेंट ऊपर से नीचे चलने पर क्या होता है, अम्लीय गुण में वृद्धि होती है। इसलिए ये जो ऑक्सीजन से नीचे जाएंगे सल्फर, सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम, तो ये क्रमशः ऊपर से नीचे जाने के जो हाइड्राइड हैं वो अम्लीयता को है ना बढ़ाते हैं, यानी अम्लीय क्षमता में वृद्धि होती है। चीजें क्लियर हो गया। तापीय स्थायित्व, हाइड्राइड का तापीय स्थायित्व समूह से नीचे की ओर जाने से घटता है क्योंकि परमाणु आकार की वृद्धि से बंध शक्ति घटती है। कुछ भी नहीं है तापीय स्थायित्व, स्थायित्व का मतलब ये होता है स्टूडेंट कौन कितना ज्यादा आकर्षित होकर स्थायी है, कौन कितना ज्यादा मजबूत है। तो मैंने आपको बताया कि जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो आकर्षण बल में कमी होती है और जब बंधन शक्ति ही कमजोर हो जाएगी तो स्थायित्व में कमी आएगी, कम तापमान पर वो बिखर जाएगा, सिंपल है। तो हाइड्राइड जो है ऊपर के जो हाइड्राइड है, मतलब एक प्रकार से H2O H2S की बात करें, वो स्थायित्व की मतलब ज्यादा व्याख्या कर रहे हैं, यानी ज्यादा स्थायी प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जैसे जैसे ऊपर से नीचे चलते हैं तो केंद्रीय धातु परमाणु के पास जो आकार होता है उसमें वृद्धि होती है, आकार बढ़ने से नाभिक का आकर्षण बल कम हो जाता है और इसी बंध शक्ति के कमजोर होने के कारण तापीय स्थायित्व में कमी आती है। ठीक, अंतिम पॉइंट स्टूडेंट अपचायक गुण। अपचायक गुण मैंने आपको समझाया जो स्वयं मतलब आक्सीकृत हो जाए लेकिन दूसरे को अपचयित कर दे वो अपचायक कहलाता है। तो ये सभी के सभी स्टूडेंट अपचायक प्रकृति के होते हैं और इसका क्रम याद कर लेना, H2S से H2TE तक अपचायक जो शक्ति है वो बढ़ती जाती है। ठीक है ना, अपचायक शक्ति मुख्य रूप से स्टूडेंट H2O के अतिरिक्त, मतलब H2O अपचायक गुण नहीं दर्शाता। यहाँ पर एक चीज आप याद भी कर लो कि H2O अपचायक गुण नहीं दर्शाता, लेकिन स्टूडेंट H2S H2SE H2T में हाइड्रोजन देने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। जो जितना ज्यादा हाइड्रोजन देगा उसका अपचायक गुण उतना ही अधिक होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन दे रहा है तो मतलब उस पर ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी खुद ऑक्सीकृत हो रहा है, दूसरे को अपचयित कर रहा है। कोई चीज हाइड्रोजन दे रहा है मतलब वो अपचायक का काम करता है। क्यों? जो हाइड्रोजन देता है स्टूडेंट वो अपचायक का काम करता है, मतलब खुद क्या हो जाता है ऑक्सीकृत हो जाता है और दूसरे को अपचयित कर देता है। क्लियर? तो इस प्रकार से आज चारों टॉपिक जो आपके थे वो कंप्लीट हो गए हैं। छोटा सा वीडियो बनाने का मकसद ये स्टूडेंट कि कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, विधिवत पढ़ो। यार आप लोगों का कहना रहता है कि सर लॉन्ग टाइप के वीडियो लाइए, लेकिन प्यारे भाइयों आप छोटे से वीडियो पे कोई भी चीज़ है अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, लॉन्ग टाइप का वीडियो आप खुद पूरे नहीं देखते हैं। इसलिए स्टूडेंट एक टॉपिक में बनाता हूँ उसे आप अच्छे से तैयार कर लो, नोट डाउन कर लो। एक दिन में एक भी क्वेश्चन तैयार करते हो तो आपके पास काफ़ी दिन है और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, पूरा सिलेबस तैयारी कर सकते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।